दोस्तों क्या कभी आपने कार जो सड़क पर चलती है उसको पानी के ऊपर चलाने की कोशिश की है? नहीं की है, किसी ने भी नहीं करी है, क्योंकि आपको पता है, पहले से ही पता है, आपको 100% है कि ये पानी में नहीं चलेगा, और ऐसा नहीं होने पर आप परेशान कभी नहीं हुए, और अगर वो चलाते हैं तो डूब जाएगी, ये बात भी आपको पता है, और आप अपने रूटीन को हैबिट मान चुके हैं और परेशान हैं। रूटीन का कार्य को करने में आपको मेहनत लगती है, जो आप रोज करते हैं अगर वो हैबिट में नहीं गई है, सिर्फ अभी दिनचर्या में है, उसमें मेहनत लगती है, और सिर्फ वो एक्शन को ही डे रूटीन बोलते हैं। सुबह आप उठे, उठते ही आपने बिस्तर को लगाया या नहीं लगाया, सुबह उठते ही आपने पानी पिया या नहीं पिया, आपने पेस्ट की या नहीं की, आपने नहाए तो आपने राइट हैंड आगे किया या लेफ्ट हैंड किया, आप सीधे पानी से पानी पहले सिर पे डालते हैं या पैर पे डालते हैं, जो भी आपने रूटीन बनाया है, ऑफिस जाना, ऑफिस जाके काम करना, उन सबसे मिलना या नहीं मिलना, उनको गुड मॉर्निंग बोलना या नहीं बोलना, वहाँ पर खाने का एक समय में आपका ऑर्गन खुद ही बता देता है कि भूख लग रही है, खाना खा ले, और इसको किसी और चीज़ से, आप कहीं जगह पर रोज हाथ धोते हैं और नलका खराब हो गया, आज ही हुआ है, जब भी आपको ऑफिस में हाथ धोने जाने हैं, आप कहाँ पहुँचोगे? वहीं पे जहाँ पर कल गए थे, जहाँ पर जाते रहे हो, पर वहाँ पर आपको पहले से चेक कराए थे कि वो खराब हो गया, फिर भी वहीं जा रहे हो, वहाँ पानी की बोतल लेकर वहीं धो रहे हो। तो आप कोई भी दिनचर्या को अगर आप करते हैं तो एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, पर आदत में आ गई तो आप बिना थके उसको लगातार करेंगे। यही फर्क है दिनचर्या में, रूटीन फॉलो कर रहा हूँ पर उससे मैं थक रहा हूँ, उसमें समय लग रहा है, उसको मैं छोड़ू नहीं जब तक वो आदत ना बन जाए। अगर वो आदत नहीं बनी तो